हेलो ऑल, एग्जाम्स आर कमिंग सून, राइट? नाउ सीजन ऑफ एग्जाम इज कमिंग सून, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, लाइक कैसे प्रिपेयर करें? सो दिस इज बिगेस्ट चैलेंज, सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अभी ये, वेदर यू आर इन CBSE बोर्ड में हो आप या HSC में हो, वट अदर ग्रेड्स यू आर देयर, सो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर इट, राइट? सो आज आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर इट इन अ वेरी सिंपल अप्रोच. बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लाइक ओके क्या करें, ये करें या वो करें. पीपल विल कम एंड दे'ल टीच यू डिफरेंट स्ट्रेटेजी. आप रात को पढ़ो, आप दिन में पढ़ो, आप पढ़ते रहो, आप 24 घंटे पढ़ो, आप खा के पढ़ो, आप पी के पढ़ो, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो देर इज लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, ओके, इन द माइंड ऑफ किड्स. दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट ऑफ दिस, राइट? सो पीपल विल कम एंड आपको 10 चीजें बताएंगे, आप ये करो, आप वो करो. सो पीपल गेटिंग मोर एंड मोर कन्फ्यूज, राइट? सो वॉट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन सब चीजों में ना पढ़ते हुए? वॉट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी? सो आई टेल यू वेरी सिंपल थिंग. फर्स्ट मंत्रा इज आपको रीड करना है, ओके? यू हैव टू रीड द थिंग्स, फर्स्ट स्टेप, ओके? फर्स्ट स्टेप फॉर स्टार्टिंग फॉर योर एग्जाम, स्टार्ट रीडिंग. वेदर इज 3 मंथ्स लेफ्ट, 1 महीना बचा है, 15 दिन बचा है, जस्ट जंप इन टू एंड आपका जो भी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करो, ओके? बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज द बिगिनिंग, ओके? सो द बिगिनिंग इज इम्पॉर्टेंट और द स्टार्ट इज इम्पॉर्टेंट. सो आपके बच्चे 1 महीने बचे हो, चाहे 2 महीने बचे हो, चाहे 3 महीने बचे हो, राइट? वट एवर इट इज, हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट आउट, यू जस्ट गिव अ स्टार्ट, इट्स नेवर टू लेट, ओके? सो आपको फर्स्ट स्टेप करना है, आपको स्टार्ट रीडिंग द थिंग्स. द सेकेंड स्टेप आफ्टर रीडिंग इज लाइक यू हैव टू राइट इट, और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जो भी आपके की पॉइंट है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर आपको लग रहा है कोई फॉर्मूला है, या फिर आपको लग रहा है कोई डायग्राम है, या आपको लग रहा है कोई ग्राफ है, उसके बिना नहीं होगा. सो यू हैव टू राइट इट, ओके? इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इट. अगर आप कोई और दूसरा बायोलॉजी बारे में बात कर रहे हो, फिजिक्स, केमिकल केमिस्ट्री के रिएक्शंस है, फिजिक्स के जो डेरिवेशंस है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. केमिस्ट्री में रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इफ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, इफ यू हैव टेकन दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो देर यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस द कोड. सो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको लिख कर उसको करना है. आप लिखोगे तो चीज़ें आपके ब्रेन में डायरेक्टली हिट होंगी, ठीक है? आप उसको याद रख पाओगे, और जब भी आपका एग्जाम हो, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, आपका ब्रेन उसमें प्रॉपरली प्रोसेस्ड हो चुका होगा एंड वो आपको हेल्प करेगा. नेक्स्ट स्टेप इज अगेन प्रैक्टिस, ओके? बिना प्रैक्टिस नहीं होता है, ओके? फर्स्ट टाइम यू विल हिट, इट विल मिस समवेयर, अगेन यू विल ट्राई टू बी क्लोज, एंड फाइनली यू हैव अ परफेक्ट हिट. तब आपकी जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी डेफिनेटली हिट हो जाएंगी. सबको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन दैट्स द प्रैक्टिस द की पॉइंट, ओके? वी नो ऑल द प्रोवर्ब्स एंड एवरीथिंग, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट जब टाइम आता है सो वी नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट. सो आपको प्रैक्टिस करनी है, और स्पेशली हम एग्जाम का आप कर रहे हैं तो आपको रिटन प्रैक्टिस, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ओके? बट दिस आर द सिंपल स्टेप. रीड, राइट एंड प्रैक्टिस इज अ सिंपल मंत्रा इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम्स, वेदर इट्स योर CBSE बोर्ड और HSC बोर्ड, राइट? डोंट बी इन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बी फोकस्ड. आप सिंपल तरीका है, आप रीड करो उसको, आप उसको राइट करो उसको, देन आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो. वी हैव गॉट द ब्रेन दैट वर्क्स इन दैट अप्रोच ओनली, ठीक है? आप जितना ब्रेन को ज़्यादा ट्रेनिंग दोगे, जितनी लर्निंग आप दोगे ब्रेन को, तो उतना ही ब्रेन वो चीज़ों को ध्यान में रखता है. प्रैक्टिस की रहोगे तो और ध्यान में रखेगा, और एग्जाम के टाइम में डेफिनेटली आपने जो भी पढ़ा रहेगा, दैट इज गोइंग टू गो एंड गिव अ 100% हिट. सो दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू से, ओके? और फाइनली ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, रीड, राइट एंड प्रैक्टिस, ओके? ऑल द बेस्ट.